जजों की संविधान पीठ ने शनिवार को अयोध्या केस पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 45 मिनट तक फैसला पढ़ा और कहा कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और इसकी योजना 3 महीने में तैयार की जाएगी। कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया और कहा मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए। फैसले के बाद पूर्व लोस स्पीकर और सांसद सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह वैसे ही संतुलित निर्णय है, जैसे एक माँ को उसके बेटे का अधिकार मिलने पर आनंद मिलता है वैसे ही यह फैसला है। सभी को शांत भाव से इसे स्वीकार करना चाहिए। ताई ने कहा कि कोर्ट का जो निर्णय है उससे मेरा मातृत्व हृदय आज आनंद से प्रफुल्लित है। कोर्ट ने एक संतुलित निर्णय दिया है, इसे हम सभी को संयम से संतुलित मन से इसे अंगीकार करना चाहिए। जैसे एक माँ को आनंद होता है वैसे ही आनंद आज सभी जनमानस को होना चाहिए। दूसरे पक्ष को कोर्ट ने जो जमीन देने का बात कही है वह पूरी तरह से सही है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है उस निर्णय से मैं तो ये कहूँगी मेरा मातृ हृदय जो है वो आज आनंद से प्रफुल्लित है, क्योंकि कोर्ट ने राम लला का अधिकार मान लिया बच्चे का। तो अगर एक बच्चे को जहाँ उसका जन्म हुआ है वो जन्म का स्थान उसको मिलता है, अधिकार मिलता है, तो माँ को जो आनंद होता है वो एक प्रकार से क्योंकि राम लला का ये अधिकार है। और इसलिए एक संतुलित निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत संतुलित निर्णय है और मुझे ऐसा लगता है उस संतुलित निर्णय का हम सभी ने संयम से संतुलित मन से इसको अंगीकार करना चाहिए, शांत भाव से। जैसा एक माँ को जो आनंद होता है वो आज सभी जनमानस को सभी को होना चाहिए। और मैं इसलिए ये कहूँगी कि आनंद का क्षण तो है मगर जैसे जन्म का आनंद भी हम लेते हैं वो कोई माँ उछल कूद तो नहीं करती है उस समय, मगर मन में संतोष उसको होता है, घर के लोगों को भी संतोष होता है उस इससे कि इससे पार हो गए। तो इस दृष्टि से मैं कहूँगी कि ये संतुलित निर्णय है, दूसरे पक्ष को भी जो बात हुई है जमीन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो मेरा कहना ये संतुलित संयमित निर्णय का सभी लोगों ने संयमित तरीके से ही इस निर्णय को लेना चाहिए और शांत भाव से अपने घर में बैठ के एक नंदादीप जला करके भी उसका जैसा आनंद लिया जाता है वैसा लेना चाहिए।